नमस्कार, हल्द्वानी किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बहुत ही यूनिक रेसिपी बनाने जा रहे हैं जिससे आपके खाने का टेस्ट एकदम दुगना हो जाएगा, चाहे आप उसे लंच में बनाएं या फिर डिनर में। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये कच्चा नारियल ले लेंगे और इसका पानी निकाल लेंगे और इसे छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे क्योंकि हमें करना है इसको ग्राइंड। तो मैं इसकी चटनी बिल्कुल भी नहीं बना रही हूँ कि आप लोग सोचें मैं चटनी बना रही हूँ, तो चटनी मैं बिल्कुल नहीं बना रही हूँ। चलिए इसे ग्राइंड करने के प्रोसेस में चलते। तो ये मैं वो वाला पानी ऐड कर रही हूँ जो कि नारियल में निकला था, तो उससे फ्लेवर और जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आएगा। तो वो पानी को आप बिल्कुल फेंके ना, वो इसी में ऐड करें। हालांकि हमें इसे ग्राइंड करने में और भी पानी चाहिए होगा। और हम यहाँ निकाल रहे हैं कोकोनट मिल्क जो कि बिल्कुल प्योर होगा ग्राइंड करने के बाद, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी तभी ग्राइंड हो पाएगा। बहुत ड्राई जब हम इसे ग्राइंड करते हैं तो ये नहीं होता, तो इस तरीके से बार बार पानी डालेंगे जितनी ज़रूरत है और इसे एक स्ट्रेनर में डाल के छानते जाएंगे। जो भी इसका मोटा वाला पार्ट है वो स्ट्रेनर में आ जाएगा और जो आपका मिल्क निकलेगा कोकोनट मिल्क वो नीचे इकट्ठा होता जाएगा। तो इस तरीके से हमें पूरे एक नारियल को, कच्चे नारियल को कर लेना है। तो ये मैंने दो पार्ट में कर लिया क्योंकि ये बहुत सारा हो जाता है पीसने के बाद। तो इस तरीके से पानी डाल डाल के मैंने इसको अच्छे से पीस लिया है। पूरा कोकोनट मिल्क हम इसको दबा दबा के निकाल लेंगे और इसका जो बचा हुआ पार्ट है या तो आप इसकी चटनी बना लीजिए, बहुत टेस्टी चटनी बन जाएगी कोकोनट चटनी। बहुत आसानी के साथ ये निकल आता है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, आसानी से पिसता है और आसानी से स्ट्रेनर में डाल के इसका कोकोनट मिल्क हम निकाल सकते हैं घर में ही। तो ये लीजिए, हमारा जो कोकोनट मिल्क है वो पूरा का पूरा निकल आया है और इसका जो ड्राई पार्ट है वो बचा है, उसको हम अलग हटा देते हैं। और यहाँ देखिए इतना कोकोनट मिल्क निकला है हमारा। और चलिए चलते हैं अब आगे के प्रोसेस में। तो यहाँ मैंने राइस ले लिए जो कि एक कटोरी मैंने डाल लिया और आधा कटोरी और डालें तो इसका मतलब डेढ़ कटोरी मैंने राइस लिए। इनको हम अच्छे से धोएंगे 3 से 4 बार। उसके बाद मैं इसको थोड़ी देर पानी डाल के, यानी 10 मिनट इसको पानी डाल के रख देती हूँ भिगो के, जिससे कि ये थोड़े से फूल जाएंगे। उसके बाद हम डालेंगे ये कोकोनट मिल्क, तो ये पूरा का पूरा इसमें मिल्क आ जाएगा, पानी हमें ऐड नहीं करना पड़ेगा। हम ऑलरेडी जो कोकोनट मिल्क हमने निकाला है उसमें हम पानी ऐड कर चुके हैं। और ये जो फिंगर का पार्ट होता है उससे इतना फिंगर ऊंचा होना चाहिए चावलों पे पानी, और ये बिल्कुल परफेक्ट चावल बनेंगे अगर इतना आप पानी डालेंगे। तो ये मेरी मम्मी ने बताया था कि इतना ऊंचा होना चाहिए पानी, तो मैं बस इसी तरीके से नापती हूँ। और यहाँ हमने दाल ली है, ये अरहर की दाल है या इसे तुअर दाल भी बोल सकते हैं। तो एक कटोरी लिए और थोड़ी सी लिए हमने चने की दाल, यानी 1 बड़ा चम्मच चने की दाल। और दोनों को मैंने अच्छे से पोंछ लिया था कपड़े पे डाल के, आप धो के पंखे में सुखा भी सकते हैं इसको। और यहाँ हम पीसेंगे इसको, ग्राइंड करेंगे। एक मैंने इतना दरदरा रखा है, आप चाहें तो इसका बिल्कुल फाइन पाउडर भी बना सकते हैं। इससे जो हम रेसिपी बनाएंगे वो बहुत टेस्टी बनेगी। हाँ, मैंने कुकर में ले लिया है ऑयल, मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं कुकिंग ऑयल। और यहाँ मैंने मस्टर्ड सीड डाले जो कि बिल्कुल डालने में कंजूसी नहीं करी है। और साथ में ही डालेंगे हम ये करी पत्ता जो कि बहुत अच्छा फ्लेवर लेके आएगा। बहुत सारा आप डालें, जितना हो आपके पास अच्छे से मिल जाए, ये मुझे मेरे गार्डन से मिल गया है। और यहाँ डालेंगे हम प्याज, और उसके बाद थोड़ा सा भुन जाने के बाद मैंने डाला ये सांभर मसाला, मिर्च, धनिया, ये बेसिक सारे मसाले, हल्दी पाउडर और ये है कलर वाली मिर्च। इन मसालों के ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, इससे मसाले बहुत अच्छे फूलते हैं और बहुत अच्छे भुनते हैं, जलते बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ आप इस तरीके से मसाले में पानी डाल के पकाएं, ये काफ़ी अच्छा कलर भी लेके आते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी सब्जी को बना सकते हैं, ऐसे बहुत अच्छी बनती है। और देखिए मसाले हमारे काफ़ी अच्छे से भुन चुके हैं, अब हम डालेंगे टमाटर। तो खट्टा करने के लिए मैं यहाँ टमाटर का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो इसकी जगह इमली का पल्प भी ले सकते हैं, लेकिन डेली हमारे घर में ये चीज़ें उपलब्ध नहीं होती है। तो टमाटर जो होता है वो बहुत ही बेसिक सी चीज़ है जो घर में ही मिल जाता है, तो उसे पकाने के लिए मैं थोड़ा सा नमक डाल दे रही हूँ। यहाँ मैंने बड़े बड़े पीसेस में बीन्स ली है, लौकी ले रहे हैं हम थोड़ी सी, और ये जो हमने दाल पीसी थी इसको डालेंगे। और जी हाँ, मैं सांभर बना रही हूँ और बिल्कुल बहुत ही बेसिक सी चीज़ों से बहुत ही टेस्टी सांभर बनेगी। ये सारी चीज़ें आपके घर में आसानी से मिल जाएंगी, तो मैं कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डाल रही हूँ जो कि आपके घर में अवेलेबल ना हो।
क्योंकि कभी कभी जल्दबाजी में हमें घर की ही पड़ी चीज़ों से खाना बनाना पड़ जाता है। और यहाँ मैं पानी बता देती हूँ कि मैं पानी इतना डालूँगी जिसमें कि दाल अच्छे से पक जाए, क्योंकि सांवर होती है थोड़ी सी पतली, तो बाद में हम बॉयल करके पानी इसमें ऐड करेंगे। और यहाँ 3 से 4 मैंने सीटी लगाई थी, दाल बहुत अच्छे से पक गई है क्योंकि हमने इसको ग्राइंड कर लिया था, और बहुत अच्छी बहुत टेस्टी बनेगी। और यहाँ मैंने बॉयल करके उसमें पानी ऐड कर दिया जितनी कि हमें दाल को पतला करना था। और अब लगाएंगे हम तड़का। तो यहाँ मैंने देसी घी लिए, 3 सूखी लाल मिर्चें लिए, इनको अच्छे से भूनेंगे। और यहाँ थोड़ी सी कलर वाली मिर्च और ऐड कर दे रही हूँ जिसमें कि तीखापन नहीं होता है। और यहाँ हम देखिए तड़का लगा देते हैं, तो बहुत ही टेस्टी बहुत इजी मेथड में सांवर बन के तैयार हो गई है, साथ ही में हमारी ये टेस्टी से राइस। तो बस 1 सीटी लगाएंगे इस राइस में और ये बहुत ही टेस्टी कॉम्बिनेशन बनता है। तो आप इस राइस और सांभर को ज़रूर बनाएं, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और इस पे देसी घी डाल के सर्व करें, ये बहुत टेस्टी बहुत ही यूनिक रेसिपी है। और एक बार इसको इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें, और अगर रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय। खाएं पिएं, इंजॉय करें।